करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब भारत समझने में आपको फायदा होगा थोड़ा सा। अभी तक भारत की जो हम भारत के बारे में समझ रहे थे, तो भारत को समझने के लिए एक बेस था, आधार था वो। आज हम चीज़ों को समझेंगे भारत के बारे में। आ जा बेटा, बच्चों को तो ठंड लगती नहीं है सर, सब कहने की बात है, सबको लगती है। सबको लगती है, बच्चों को नहीं लगती। दो लोगों को ठंड नहीं लगती है, बच्चों को, जवानों को, सर आजकल सबको लग रही है। दो लोगों को ठंड लगनी भी नहीं चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटवर्ती मैदान, तट तटवर्ती मैदान क्या हम लोगों ने पढ़ा था? तटवर्ती मैदान पढ़ना है, इसके पहले जितनी भी फिजियोग्राफी थी सब समझ ली थी हम लोगों ने। सर ये अच्छा, एक मानचित्र आप ड्रा कर लीजिए। तटवर्ती मैदान से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहां पर हम लोगों ने जो घाट पढ़े थे, यहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इधर भी फोन बंद नहीं किया। डाक कर लीजिए फटाफट इसको। ये है हिस्सा, ये घाट है इसका, और इस घाट के बीच में जो मैदान आपको दिखाई पड़ रहा है ये है तटवर्ती मैदान, ये वाला। यहाँ पश्चिमी बंगाल से लेकर ये वाला मैदान, यहां पर भी इसको भी हम इसमें काउंट करते हैं, समझ गए? इसको भी जो कच्छ के रण के आसपास का और काठियावाड़ का, ये हमारा है पूर्वी घाट, ये क्या है? पूर्वी घाट, और ये हमारा है पश्चिमी घाट। ये जो डार्क लाइन हमने बनाई है ये घाट है। हम लोग इसको पढ़ ही चुके हैं, पूरे घाट को पढ़ लिया हम लोगों ने। इस घाट के बीच में और समुद्र के तट की जो रेखा है, इन दोनों के बीच में ही हमारा मैदान पड़ता है। ये हमारा है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, ये वाला हिस्सा, समझ गए? ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। इधर है ये पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, जिसकी चर्चा हम लोगों को ये करनी है। यहां से लेकर एक कच्छ का रन है, यहां पर गुजरात में ये जगह, यहां से लेकर इसको हम काउंट करते हैं, इसको क्या है? ये
स्पेशली ये हमारा कच्छ का रण है, कच्छ का रण। यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में आप यहाँ से लगा सकते हैं, ये कलकत्ता वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर है एक जगह है कन्याकुमारी, क्या है कन्याकुमारी विभाजन का काम करती है। हम पश्चिमी बंगाल से मैदान मैदान चले जाते हैं तो कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का अंत हो जाता है, और यहाँ गुजरात के कच्छ के रण से लेकर यहाँ तक चले जाते हैं तो भी कन्याकुमारी में ही उसका अंत हो जाता है। समझ गए? इसकी बनावट की हम बात करते हैं, इसको ड्रा करिएगा, फिर इसके बारे में हम लिखते हैं कि इसकी रचना कैसे हुई, निर्माण, मैदान का निर्माण कैसे हुआ। मैदान के निर्माण में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, नदियां, समुद्र और विवर्तन की। क्या क्या तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं? निर्माण के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, दूसरा समुद्री लहरों के द्वारा, और तीसरा विवर्तनिक, विवर्तनिक क्रिया। विवर्तनिक क्रिया क्या होती है? टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी ये होती है कि हमारी पृथ्वी में संचलन होता है। आपने पढ़ा होगा एंडोजेनेटिक फोर्सेज, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, अंतरजात बल और बाह्यजात बल। अंतरजात बल की वजह से क्या होता है, धरती में हलचल होती है जिसमें कुछ बल काम करते हैं, लंबा टाइम है उसके लिए, पूरा नहीं बताएंगे, सिंपली जिसकी वजह से क्या होता है, कभी प्लेट्स हमारी धरती खंडों में बटी है जिन्हें प्लेट्स कहते हैं, कभी वो पास आती हैं, कभी दूर होती हैं, कभी ऊपर नीचे भी होती हैं। तो कुछ हिस्सा धस जाता, मैंने ये भी कहा था कि ये हिस्सा धसा हुआ हिस्सा यहाँ धसा है कि नहीं, इसलिए खड़ा कगार हो गया है। तो इसके लिए तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं ये तटवर्ती मैदान के लिए। नदियाँ, नदियाँ दो तरह से काम करती हैं इसमें, एक तो अपरदन क्या करती है, अच्छा दूसरे से लिखें सर, नदियों के बाद में क्या है, समुद्री, समुद्री लहरों द्वारा, ये समुद्री लहरों द्वारा। और नदियां दो तरह से काम करती हैं, एक तो अपरदन, और दूसरा इसमें निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब सेडिमेंटेशन, अपरदन और निक्षेपण से, ठीक है। समुद्री लहरें भी यही काम करती हैं, ये भी अपरदन करती हैं और दूसरा निक्षेपण करती हैं, जिसकी वजह से मैदान बनते हैं। कैसे बनते हैं बताएंगे भी। विवर्तनिक में इसमें होता है अवतलन, अवतलन, और दूसरा है निमज्जन। अवतलन और निमज्जन दो बातें हैं इसमें। अब देखिए कैसे इसका निर्माण होता है। यहां हमने कहा अपरदन, ये जो मैदान जिसकी हम बात कर रहे थे ये वाला हिस्सा है, और यहां पे ये घाट था ये वाला, और ये हिस्सा जो टूट कर नीचे धस गया था, ये हिस्सा धसा था कि नहीं धसा था, ये वाला। यहां पर जो मैदान है, अगर पश्चिमी की या पूर्वी दोनों के बारे में, ये दोनों जगह लागू होगा, पूर्वी मैदान और पश्चिमी दोनों जो मैदान बने हैं इन्हीं तरह से बने हैं, अपरदन के द्वारा। नदियां यहां से बहती हुई आती हैं, मैदानों की तरफ आती हैं, आती कि नहीं आती, इधर भी आती हैं, यहां भी बह के बहुत सारी नदियां जाती हैं। ये क्या करती हैं, अपक्षय और अपरदन के सारा बहुत सारा मलबा लाती हैं। तो मैदान के बारे में मैंने आपसे कहा था, मैदान हमने बताए थे दो तरीके से, एक तो जलोढ़ मैदान बताया था जलोढ़ मैदान कैसे बनता है, और दूसरा है घर्षित मैदान, घिस कर काट छांट कर। भाई नदियां क्या करती हैं, अपरदन के द्वारा, अपक्षय के द्वारा मलबे को काटती छांटती रहती हैं और उसको हटाकर कहीं ले जाती हैं। हटाकर बनने से, उसके घर्षण से, घर्षित होने से जो मैदान बनता है वो इस टाइप से बनता है। तो अपरदन से भी
क्या बनते हैं, घर्षित मैदान बनते हैं, और जहां पर मटेरियल उठाकर कहीं ना कहीं उसको इकट्ठा किया होगा, पाटा होगा, कहीं काटा है तो कहीं पाटा होगा, जाहिर सी बात है, जहां सेडिमेंटेशन किया होगा, क्योंकि नदियों के द्वारा लाया गया था इसलिए जलोढ़ मैदान कहते हैं। कुछ बायूढ़ होते हैं, वायु के द्वारा बनते हैं, वो लोयस होते हैं, मैंने लोयस की आपसे बात की थी जिसमें जल और वायु दोनों होते हैं शामिल, तो जलोढ़ मैदान और घर्षित मैदान दोनों होते हैं। तो कुल मिला के मैदान अपक्षय और अपरदन की देन है, समझ गए। तो ये मैदान नदियां कैसे बनाती हैं, नदियां बहती हैं तो यहाँ काट छांट कर लाती हैं, जिससे जो उत्थित भूखंड है, उठा हुआ खंड है, वो घिसता रहता है, कटता रहता है, नीचे होता रहता है, साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा भी करती हैं। इस साइड में ये प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें इसमें दोनों में डिफरेंस है, इसके बेसिक अंतर की भी हम बात करेंगे जब विशेषता पढ़ेंगे। तो कुल मिला के नदियों के द्वारा अपरदन और निक्षेपण से मैदान का निर्माण हो जाता है। यही काम समुद्र की लहरें भी करती हैं। भाई समुद्र की लहरें क्या करती हैं, समुद्र के लहरें आई, तट से टकराई, टकराने के बाद अद्धा कार्तिक विषर जो बनता है, नीचे ऐसे लहरें आई वो नीचे को मुड़ती हैं, फिर घसीटती हुई, घर्षित करती हुई वैक होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, समुद्र की लहरें ऐसे जाती हैं, तट से टकराती हैं, नीचे मुड़ती हैं, नीचे मुड़कर धरती को घसीटती हुई पीछे को बैक होती हैं, समझ गए। तो जो नदी के तट पर, सॉरी समुद्र के तट पर स्थल से जुड़ी हुई जो मटेरियल होता है वो सब खींच ले जाती हैं, लेकिन जब लहरें आती हैं वापस तो फिर वापस ले भी आती हैं कुछ, तो लाने और ले जाने की वजह से कहीं कहीं ये घिसकर घर्षित मैदान बना देती हैं, कहीं कहीं से जहां उत्थित भूखंड होते हैं उनको चिकना करके काट करके मैदान बना देती हैं, तो मलबा वहां से हटा लेती हैं, लेकिन जहां कुछ गड्ढे टाइप के होते हैं वहां इनका निक्षेपण हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मैदान बन जाते हैं। तो दोनों तरीके से मैदान बने, इस वजह से जो निक्षेपण अपरदन और निक्षेपण समुद्री लहरों से भी द्वारा मैदान के निर्माण, अर्थात यहाँ मैदान जो बने हैं नदियों के द्वारा भी बने हैं और इसके द्वारा भी बने हैं। तीसरी बात विवर्तनिक क्रिया की आती है, जो स्पेशली यहाँ लागू होती है, यहाँ लागू नहीं होती है क्योंकि मैदान हम पूरा पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैदानी मैदान है, सब किनारे किनारे सब जगह। तो यहाँ जो विवर्तनिक घटनाओं में क्या होता है, कुछ यहाँ हमने लिखा है अवतलन, अवतलन का मतलब स्थल का कोई खंड नीचे धसे, स्थल पर, जल से संबंध नहीं। निमज्जन जो दूसरा शब्द लिखा है ये जल से संबंधित है, अर्थात जल का कोई भाग नीचे धस सकता है, समुद्र के किनारे पानी भरा है, समझ गए, और भूगर्भिक हलचल की वजह से, प्लेटोटेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से कुछ हिस्सा धस सकता है, कुछ हिस्सा उठ सकता है। यहां उठने से तो मतलब नहीं है, यहां हमने दोनों बातें, अवतलन का भी मतलब धसाव होता है, निमज्जन का भी मतलब धसाव होता है, अंतर सिर्फ इतना है ये स्थल में घटना होती है और ये स्थल पर होगी, समुद्र के किनारे का कोई हिस्सा स्थल में होगा, कभी धस सकता है, समझ गए, और जल में भी कोई हिस्सा जो डूबा हुआ हो सकता है वो भी धस सकता है। जो धसाव होगा तो जाहिर जाहिर कि वहां अगर गड्ढे टाइप का अगर निर्माण होता है तो वहां मटेरियल या मलबा भरेगा, समझ गए। तो इसकी वजह से अवतलन और निमज्जन दो ऐसे कारण हैं जो इस मैदान के लिए यहाँ से लेकर ये तीसरा वाली जो घटना है वो यहाँ ज्यादा घटी है, क्योंकि ये वाला हिस्सा धसा हुआ है। पता है आपको, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ जब घाट पढ़ा रहे थे, कि यहाँ से क्रैक्स पड़ा था, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, यहाँ भी भ्रंश पड़ा था, भ्रंश पड़ने की वजह से इधर का ढाल उधर हो गया, इधर का ढाल इधर हो गया इस साइड में, और यहां से भी टूटा था भारत का हिस्सा जो निमज्जित होकर समुद्र में, अरब सागर में डूब गया। इसकी वजह से, डूबने की वजह से यहाँ दबाव कम पड़ा था इसलिए ये हिस्सा उठ गया है। ये घाट जो, जिसको हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, वास्तव में पर्वत नहीं है, ये पर्वत नहीं है, एक खड़ी कगार है, चूंकि यहां 90 डिग्री तक एकदम खड़ा ढाल है, 90 डिग्री खड़ा, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री का खड़ा ढाल है, 45 डिग्री एकदम ऐसे ढाल हो जाता है ऐसी स्थिति में, और ये घाट चौड़े भी नहीं है। जब हम घाट पर नीचे खड़े होते हैं मैदान में तो इसको देखते हैं तो बहुत ऊंचा लगता है, वहां खड़े होने से ऐसा लगता है जैसे पर्वत हो, इसलिए इसको पर्वत कहा जाता है, बाकी ये पर्वत है नहीं, ये पठार का ही ये खड़ा कगार है जो कभी टूट कर ऊंचा उठ गया था। तो यहां से निकलने वाली ऐसी नदियां एकदम तीव्र ढाल से बहती हुई आती हैं, तो मलबा ये बहुत कम ला पाती हैं, क्योंकि तीव्र ढाल से बहती हैं, जैसे पहाड़ों पर नदियां अगर ऊपर बहती हैं तो अपनी तरुणावस्था में होती हैं, फर्स्ट स्टेज में होती हैं, वो गहराई में तो गड्ढा करती हैं, नदी को चौड़ा नहीं करती। ऐसी स्थिति में, क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा होता है, ढाल ज्यादा होता है, नदियां बहुत स्पीड से बहती हैं,
जो भी मलबा उसके साथ होता है वो शीघ्रता से उठा के उसको ले आती है। यहां होता क्या है कि समुद्र की लहरें, क्योंकि ढाल ज्यादा है घाट चौड़ा कम है, ये लहरें उसको वापस ले जाती हैं, फिर लाती हैं, फिर वापस ले जाती हैं। इस तरह यहाँ एस्चुरी बनती है, यहाँ डेल्टा नहीं बनते हैं, उधर डेल्टा बनते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आपने देखा कि इस तरह से इसका निर्माण, इन घाटों का सॉरी ये मैदान जो है इनका निर्माण हो जाता है। क्लियर है निर्माण कैसे हुआ। अब इनके हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, मैदान का वर्गीकरण। मैदान का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इनमें से पूछे जाते हैं। इसकी जो विशेष सॉरी जो विशेषता है उस पर, जिसकी विशेषता नहीं पड़ती उस पर सवाल पूछे जाते हैं और इस पर पूछे जाते हैं। चश्मी तटीय मैदान, ये था कच्छ कारण। कच्छ कारण समझ गए। तो निर्माण के बाद हम देखते हैं इसका विभाजन। विभाजन हम देखेंगे तो कई बेस पर देखेंगे, कई तरीके से सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। यहां पर देख रहे हैं आप, यहां दमन है, दमन के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। यहां पर एक दमन है, दादरा नगर हवेली दीव दमन की सब राजधानी मिला के एक कर दी गई ना केंद्र शासित राज्य में। दमन तक का ये हिस्सा जो ये वाला है, ये इतना हिस्सा, इसको हम कहते हैं गुजरात का तट। क्या कहते हैं? गुजरात तट। यहां पर काठियावाड़ का पठार है ये वाला, तो कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, काठियावाड़ का पठार, वो सॉरी तट कहेंगे, पठार नहीं कहेंगे, यहां हम तट की बात कर रहे हैं। काठियावाड़ का पठार है इस वजह से, उसके आसपास है इस वजह से काठियावाड़ का तट भी कहा जाता है। कुछ लोग यहां तक का जो हिस्सा है, यहां से यहां तक का कच्छ का रन वाले को भी अलग सेपरेट करते हैं, लेकिन हमें अलग नहीं करना है, लेकिन ये जानना है कि कच्छ का रन ये वाला हिस्सा है। समझ गए। कच्छ के रन को भी कुछ लोग मैदान कहते हैं, हालांकि ये दलदली भूमि है, इसी में शामिल है। शुरुआत इसकी यहीं से होती है, कच्छ के रन से लेकर ऐसे हम घूमते हुए वो आते हैं कहां तक, दमन तक। ये दमन तक का पूरा हिस्सा क्या कहा जाता है? अगर हम यहां विभाजन करते हैं इसका, पहले लिख लीजिए विभाजन में, तो पूर्वी पश्चिमी, पहले हम पश्चिमी लिखते हैं, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में पहला हमने क्या लिखा? गुजरात, गुजरात का तट, ये गुजरात का तट हो गया। उसके बाद यहां पे आपने पढ़ा था, एक ही कलर से भरते हैं, गोवा, यहां गोवा देखा था, गोवा देखा था कि नहीं? तो यहां से यहां जो गोवा तक का पार्ट है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? कोंकण, कोंकण तट। इस तट का नाम है कोंकण, अर्थात दमन से लेकर गोवा तक का हिस्सा कोंकण तट है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया? कोंकण, कोंकण तट हो गया। इसके बाद यहां पर मैंगलोर है, क्या है? यहां है मैंगलोर, क्या है? ये आपका गोवा हो गया। लिखेंगे, ध्यान रखेंगे तभी आप ज्यादा सही है। ये मैंगलोर है, ये आपका क्या है? दमन है, ठीक है। यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसको कहा जाता है कन्नड़। सब ब्लैक मार्कर्स से लिखे, क्या है ये? कन्नड़, कन्नड़ तक। और यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? मालाबार। तट में कोई कुताही ना हो, तट के बारे में पूछा जाता है सवाल आपसे कभी कभी, समझ गए।
तो इसके चार पार्ट हो गए इधर के, कोंकण के बाद कन्नड़ और चौथा है मालाबार, मालाबार तट, समझ गए। ये मालाबार तट हमारा है, तो यहां से लेकर इसके बारे में हम कहें कि गुजरात के कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक, समझ गए, कन्याकुमारी तक का हिस्सा, ये डिवीजन करने का हिस्सा कन्याकुमारी का ही, कन्याकुमारी ऐसे पॉइंट पर है यहां से इधर का हिस्सा बट जाता है और यहां से इधर का हिस्सा बट जाता है, तो कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट है, जिसको हमने चार मेजर भागों में बांट रखा है। गुजरात का तट, जिसको काठियावाड़ का तट भी कह सकते हैं, काठियावाड़ का तट, समझ गए। कोंकण तट, कोंकण रेलवे लाइन बिछाई गई है, आपको बताया मैंने, पहले भी बताया है आपको। उसके बाद कन्नड़ और फिर मालाबार तट, क्लियर। ऐसे ही आप इधर आ जाइए, यहां पर यहां से लेकर उड़ीसा का जो पार्ट है, स्पेशली उड़ीसा वाला, समझ गए, इसको कहते हैं उत्कल। क्या कहते हैं? उत्कल तट। उसके बाद जो आंध्रा का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश वाला, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार के बारे में मैंने आपको बताया था। और यहां से लेकर यहां तक का ये तट पूरा कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ये तीन इसके मेजर पार्ट है कोरोमंडल तट के, समझ गए। सॉरी, यहां यहां कलकत्ता से लेकर और यहां कन्याकुमारी तक इसके तीन मेजर पार्ट हैं, लेकिन इसके और भी कुछ लोगों ने डिवीजन किए हैं नदी घाटियों के आधार पर। यहां जैसे दो नदियां स्पेशली बहती हैं, आपने देखा होगा यहां पर एक नदी है, वो सॉरी झील है, मैंने बताई थी कोल्लेरू है। कोल्लेरू के उत्तर में एक नदी बहती है और एक दक्षिण में नदी बहती है, ये कृष्णा नदी है, बताया था मैंने। ये कौन सी है? कृष्णा। और ये गोदावरी, ये गोदावरी नदी है, वो कृष्णा नदी है। इन दोनों के बीच का हिस्सा ये स्पेशली उत्तरी सरकार किस लोगों ने बताया है, जो अर्थात ये कह सकते हैं कि वो आंध्रा का तट जो है वो उत्तरी सरकार में काउंट होता है। इसके उत्तर का हिस्सा उत्कल में है, इसके दक्षिण का हिस्सा कोरोमंडल तट में है। एक और डिवीजन किया गया है नदियों के, ये कोलर किसी ने दो डिवीजन भी कहीं कहीं हैं। ये जो आपने जो झील का नाम बताया, क्या नाम है इसका? कोल्लेरू। ये आंध्रा में पड़ती है, समझ गए। यहां से उत्तर का हिस्सा उत्कल, उत्तरी सरकार भी कह देते हैं कभी कभी, और पीछे का कोरोमंडल तट। दो भी डिवीजन है, लेकिन जो मैंने लिख के आपको डिवीजन दी है सार्वभौमिक है, ये समझने की ज्यादा जरूरत है आपको। तो इन तटों को आपको समझना है, तो इस तरह से हम तटों का डिवीजन कर लेते हैं। अब कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो आपको लिखनी है, विशेषताएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं पर ही सवाल घुमा के पूछे जाते हैं, जो कथन और कारण वाले सवाल बनते हैं वो इसी पर बनेंगे। ये नहीं, ये अलग है। मैंने क्या कहा, ये मैंने डिवीजन का आधार बताया, यहां से बटा हुआ है, ये यहां से बटा हुआ है, यहां से उत्तर का स्पेशली उड़ीसा में, हम कह सकते हैं ये उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में। ये वाला आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश, और ये वाला कहां है? तमिलनाडु, 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 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तीन राज्य महत्वपूर्ण है लगे हुए, और तीनों के आधार पर तट होंगे। कोरोमंडल तमिलनाडु का है, उत्तरी सरकार आंध्रा का है, उत्कल उड़ीसा का है, क्लियर है। राज्य के आधार पर भी आपको, यहां भी मैंने डिवीजन बताया था, दमन यहां तक का गुजरात तट है, यहीं तक गुजरात है भी दमन तक, उसके बाद यहां से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और गोवा,
गोवा भी महाराष्ट्र की सीमा ही है, वहां से गोवा ऐसे बन जाता है, गोवा स्पेशली। यहां पर ये गोवा है और ऐसे ही सीमा बनाता है, तो ये गोवा है, ये सीमा ही एक तरीके से महाराष्ट्र की और कर्नाटक की, समझ गए। तो यहां तक गोवा तक का हिस्सा जो पश्चिमी तट मैदान के रूप में है, जिसको कोंकण तट कहा जाता है, ये गुजरात तट कह सकते हैं, काठियावाड़ का तट कह सकते हैं, ऊपर वाले को कहां तक, दमन तक, दमन से लेकर गोवा तक का हिस्सा जो पश्चिमी तट में है जिसको हम कोंकण तट कहते हैं, गोवा से लेकर मैंगलोर तक का हिस्सा है उसको कन्नड़ तट कहते हैं, और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी है उसको मालाबार तट कहते हैं, क्लियर। अब इनकी तटों की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स, बना लिया इसको मिटा दें। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं लिख लीजिए, पश्चिमी तट की विशेषताएं पहले लिखो, पूर्वी लिखो या पश्चिमी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्वी तट लिख लो, पूर्वी तट की विशेषताएं। अब पहला इसमें पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल से लेकर, मीन्स कलकत्ता से कह सकते हैं, लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कहां से है? पश्चिमी बंगाल से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, कभी कभी इसकी तुलना होती है ना, तो कथन और कारण जो सवाल बनते हैं आपके उसमें पूछे जा सकते हैं। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये ढाल इसका मंद है, यहां स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा है, ये तीव्र ढाल वाले हैं, ये मंद ढाल वाले हैं, बहुत कम मंद ढाल है इनका, इसके बारे में लिखिए, इसका ढाल मंद है, अर्थात पूर्वी तट का ढाल मंद है, इसलिए नदियां अधिक अवसादन करती हैं, सेडिमेंटेशन करती हैं, ढाल मंद होने की वजह से क्या करती हैं, अवसादन करती हैं, नदी के भार को ढोने की सामर्थ्य उसकी स्पीड पर, उसके वेग पर निर्भर करती है, और वेग किस पर निर्भर करता है, उसकी स्लोप ग्रेडियंट पर और पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। चूंकि यहां पानी की मात्रा तो है लेकिन स्लोप ग्रेडियंट बहुत कम है, ढाल बहुत कम है, इसलिए नदियां बहुत स्लोली स्लोली बहती हैं, स्लोली स्लोली बहने की वजह से जितना अवसादन लाती हैं, जितना सेडिमेंट ये लाती हैं, सैंड डस्ट पार्टिकल्स, कंकड़ पत्थर, वो सभी क्या करती, इसी तट पर इकट्ठा कर देती हैं, और जहां समुद्र में मिलती हैं वहां डेल्टा बनाती हैं। तो ये बहुत मंद ढाल होने की वजह से क्या है, नदियां अवसादन करती हैं, अवसादन का मतलब सेडिमेंटेशन, समझ गए, निक्षेपण करती हैं, अवसादन करती हैं, और इस वजह से क्या होता है, यहां पर अवसादन करने की वजह से क्या होता है, अधिक अवसादन करने से डेल्टा का निर्माण होता है यहां, समझ गए, क्या लिखा आपने, ढाल मंद है इसलिए अवसादन करती हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, अवसादन के बाद वो अलग पॉइंट लिखवाएंगे आपको। पूर्वी तटीय नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण इसी वजह से होता है जहां पर नदियां बहुत कम स्पीड से बहती हैं, कम स्पीड से बहने की वजह से क्या होता है, वो रेत कंकड़ पत्थर जो भी अपने साथ लाती हैं वो सब वहीं जमा कर देती हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहां डेल्टा का निर्माण हो जाता है, और ये पूर्वी तट के पर ही ऐसा संभव है, पश्चिमी तट पर ऐसा संभव नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, पूर्वी तटीय मैदान की ओर बहने वाली नदियां, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में भी अवसादन करती हैं, बंगाल की खाड़ी में भी क्या करती हैं, अवसादन करती हैं, सेडिमेंटेशन करती हैं, वहां अवसाद को जमा करती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अधिक अवसादन की वजह से, अधिक अवसादन क्या, जमाव की वजह से गाद इकट्ठी हो जाती है, गाद समझते हैं, तलछटिये जमाव हो जाते हैं, गाद इकट्ठे हो जाते हैं, परिणाम क्या होता है, कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। जैसे कृत्रिम बंदरगाह बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी,
भाई यहाँ ये नदियां गिर रही हैं, ये नदियां गिर रही हैं, और बहुत अधिक नदियां जब यहां गिरती हैं, देख भी लो एक बार, जब यहां नदियां गिरेंगी, हम इसी घाट की तो बात कर रहे हैं, यहां नदियां गिरती हैं तो अपने साथ स्लोप बहती हैं, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में ये मैदान में भी जमा करती हैं और डेल्टा का भी निर्माण करती हैं और बहुत सारा मलबा लाकर इस मैदान, इस समुद्र में भी लाती हैं, बंगाल की खाड़ी में भी जमा करती हैं, अर्थात इसका अवसादन इस बंगाल की खाड़ी में भी होता है। परिणाम क्या होता है? सॉरी, अधिक अवसादन की वजह से यहां कृत्रिम बंदरगाह होते हैं। मान लिया कोई जहाज यहां पर आना है तो जहाज क्या करेगा, जहाज यहां पर कोई आना है तो यहां तट तक नहीं आ सकता जहाज, जो बंदरगाह है इसलिए यहां 6 महीने में, 1 साल में इनकी सफाई करानी पड़ती है बंदरगाहों की, इसलिए उनको कृत्रिम कहा जाता है, क्योंकि इनपे काम करना पड़ता है, नेचुरल नहीं है, नेचुरल में मानव कोई एक्टिविटी ना करे, प्राकृतिक रूप से अपने आप गहरे इतने बंदरगाह हैं, इतनी गहराई वहां है कि जहाज आसानी से तट के किनारे तक आ जाते हैं, जैसे कि पश्चिम में। यहां चूंकि अधिक अवसादन की वजह से अवसाद भर जाते हैं तो जहाजों को आने में दिक्कत होती है, इसलिए इन बंदरगाहों को सफाई करनी पड़ती है, हर 6 महीने में, 1 साल में सफाई करते हैं, इसलिए कहा जाता है कृत्रिम बंदरगाह बनाए गए हैं। ऐसे बंदरगाह बनाए जाते हैं जहां अवसादन अधिक ना हो, धूल को, कंकड़ पत्थर को, जो बजरी बहकर आती है उसको रोकने का भी प्रयास किया जाता है कि वहां तक न जाए ताकि जहाज आ जाए वहां, इसलिए यहां कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। आपने क्या लिखा कि अधिक अवसादन की वजह से कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, अपेक्षाकृत किससे अपेक्षा है, पश्चिम वाले से, समझ गए, अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं, ये वाले पूर्वी तटीय मैदान जो है वो चौड़े हैं, इस मैदान की जो हम बात कर रहे हैं, अपेक्षाकृत किससे अपेक्षा हमने की है, इस मैदान से अपेक्षा की है, इस मैदान की तुलना में ये वाले ज्यादा चौड़े हैं, जिनकी औसत चौड़ाई आप लिख सकते हैं, औसत चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर तक चौड़े हैं, कहीं कहीं ये काफी चौड़े हैं, 200 250 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं, कहीं कहीं पर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चौड़े हैं, इस वजह से कहा गया है कि ये 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक चौड़े हैं, औसतन ये चौड़े हैं, किसकी तुलना में, इधर वालों की तुलना में। चौड़े होने का कारण भी है कि नदियां मंद गति से बहती हैं, इसलिए अवसादन करती हैं, अवसादन की वजह से तट धीरे धीरे चौड़े भी हो रहे हैं, समझ गए, और यहां स्लोप ग्रेडियंट जो है बहुत कम है, इस वजह से अवसादन बहुत तेजी से होता है। इस मैदान में, अब लिखो, पूर्वी तटीय मैदान में चिकनी मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि धीरे धीरे नदियां बहती हैं, इसलिए जो भी सिल्ट और बालू लाती हैं उसके साथ जो चीका होती है, मचीका मतलब चिकनी मिट्टी, बहुत महीन होती है, उसको यही तट पर छोड़ देती हैं वो, जिससे तट का निर्माण होता है। तो जब तट पर छोड़ देती हैं तो मिट्टी कहाँ बनेगी, वो चीका मिट्टी, चिकनी मिट्टी वहीं इकट्ठी होगी तट पर, जो बहुत फर्टाइल होती है, जिस पर धान की खेती की जाती है। आपने देखा होगा पश्चिमी बंगाल से लेकर ये यहाँ तक का, यहाँ बहुत अधिक धान की खेती की जाती है, क्योंकि मिट्टी उस लायक है, यहाँ नदियों से सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है और ऐसी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी स्पेशली क्या होती है, जो जमीन के धरती के पोर्स होते हैं, गहरे में छिद्र होते हैं, सिंक होते हैं ना, उनको बंद कर देती है, पानी का जो भराव है वो रुका रहेगा, पानी जब उस पर भरा जाएगा खेत पर उस मिट्टी पर, तो पानी नीचे सोगा, जैसे रेतीली मिट्टी होती है पानी भरोगे सोख लेगी तुरंत, उस पर सिंक होते हैं, छिद्र होते हैं, चिकनी मिट्टी उन छिद्रों को पाट देती है, जिससे पानी भराव की समस्या, जो सॉरी पानी भरा रहता है और धान की खेती के लिए पानी आवश्यक है, इसलिए कहा गया कि यह चिकनी मिट्टी का निर्माण हुआ, जिस पर चावल की खेती या धान की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान शरदकालीन तथा ग्रीष्मकालीन दोनों वर्षा प्राप्त करता है। आपने कहा देखा होगा तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, पढ़ा छोटी क्लास में, भूगोल नहीं पढ़ा, सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, इसीलिए कहा गया कि जब यहां से मानसून चलता है, यहां से तो एक ब्रांच इधर जाती है,
एक ब्रांच इधर मानसून हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी हमने मानसून के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको रेफरेंस। तो ये जब यहां जाता है फिर ऐसे पूरी बारिश करता है, लेकिन जब ये मानसून लौटते हैं तो इसी बंगाल की खाड़ी से आते हैं और यहाँ देखिए कर्वेचर झुकाव होने की वजह से जो यहाँ तट से टकराती है, तमिलनाडु का हिस्सा है। लौटते हुआ मानसून समुद्र से जब आता है बंगाल की खाड़ी से तो फिर वर्षा करता है दिसंबर में, समझ गए। यहाँ दिसंबर में भी अर्थात दिसंबर में सर्दी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि वहां बारिश होती है। अब आप समझ गए होंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स पूर्वी तट की। अब बात कर लीजिए पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? पूर्वी तट की जैसे ही लिखी वैसे पश्चिम की हैं, लेकिन पूर्व और पश्चिम में अंतर है। देखो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, अभी पूर्वी तटीय मैदान थे जी। विशेषताएं की बात, विशेषताएं हम दोनों की लिख रहे हैं अलग अलग, कभी कभी अंतर पूछा जाता है तो अंतर भी यही, जो विशेषताएं वही अंतर, एक तरफ लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरी तरफ लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम की जो है पश्चिम में लिख देंगे, पूर्व की है वो पूर्व में लिख देंगे, और दोनों में डिफरेंस एक बेसिक समझ में आ जाएगा। अभी इसमें पहला पॉइंट लिखो, गुजरात के कच्छ से के रण से लेकर, गुजरात के कच्छ से रण से, गुजरात के कच्छ के रण से लेकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। गुजरात में कच्छ के रण से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, पहला पॉइंट। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदानों का ढाल तीव्र है, स्लोप ग्रेडियंट यहां बहुत ज्यादा है। मैंने जब इसको ढाल और घाट पढ़ा रहे थे हम, तो हमने कहा था 45 डिग्री का ढाल है लगभग, और 45 डिग्री का ढाल बहुत अधिक हो जाता है। क्या लिखा? तीव्र ढाल है, अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान का तीव्र ढाल है, इसलिए नदियां अवसाद जमा नहीं करती हैं। जब अवसाद जमा नहीं करेंगी तो रिजल्ट में क्या आएगा? एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। एस्चुरी और डेल्टा में अंतर हम बता चुके हैं आपको पहले, इधर की नदियां डेल्टा बनाती हैं जबकि इधर की नदियां एस्चुरी बनाती हैं। बहुत बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है अंतर का। यहां देखिए बहुत तीव्र ढाल से बहती हैं, यहां निकलने वाली नदियां अर्थात इससे निकलने वाली नदियां जो यहां से निकलती हैं वो तीव्र ढाल वाली होती हैं बहुत तेजी से, क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट 45 डिग्री का ढाल बहुत ज्यादा होता है। उस ढाल की वजह से चूंकि ये पूरा घाट का क्षेत्र है, यहीं से नदियां निकलती हैं और मैदान थोड़ा सा है, घाट से निकलकर बहती हैं बहुत तीव्रता से समुद्र में गिर जाती हैं। तो यहां पर एक तो लंबी दूरी तय नहीं करने को मिलती है, यहां की नदियां आपने देखी होगी बहुत लंबी दूरी तय करके आती हैं, इसलिए उनके साथ सिल्ट गाद जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, समझ गए, वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और यहां मैदान इसलिए चौड़े हुए हैं कि ये समुद्र में गिरने से पहले मैदान में ही उनको छोड़ देती हैं, डेल्टा के पास छोड़ देती हैं, इस वजह से भी यहां चौड़े हो गए थे। यहां की नदियां बहुत कम दूरी तय करती हैं। दूसरी बात यह भी कि ये वाला जो हिस्सा है यहां पर ज्यादा ढाल होने की वजह से नदियां उसको काट भी नहीं पाती। ये भी सब ज्वालामुखी जो दरारी उद्भेदन से पटा था, ये पूरा क्षेत्र भर गया था लावा से, आज भी लावा का है। तो बेसाल्टिक कठोर चट्टाने हैं, उन कठोर चट्टानों की वजह से क्या है नदियां इनको काट भी नहीं पा रही आसानी से। कठोर चट्टाने हैं, धारवाड़ की चट्टाने हैं, अर्थात बहुत पुरानी चट्टानों की वजह से नदियां इनको काट भी नहीं पा रही। ये तो यहाँ लंबी दूरी की वजह से उनको काट छांट लेती हैं, बहुत गहरी घाटियां बनाई हैं, और ये कम दूरी पर बहने की वजह से अवसाद नहीं लाती हैं। अवसाद नहीं लाती तो तट पर अवसादन नहीं होता है, अवसादन नहीं होता है तो डेल्टा नहीं बनते हैं, तो अगर डेल्टा नहीं बनते तो क्या बनता है? एस्चुरी करती है। लिखा, लिखा क्या लिखा आपने? एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़े हैं या संकरे हैं, कम चौड़े हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़े हैं या संकरे हैं, औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर इनकी बताई गई है। कितनी? 64 किलोमीटर। सबसे ज्यादा चौड़े तट गुजरात के पास जहां नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं वहां पर हैं,
कुछ चौड़ाई इनकी केरल के पास, केरल में भी तट अच्छे हैं, ठीक है, तो बाकी की चौड़ाई बहुत कम है। एवरेज इनकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 64 किलोमीटर तक ही है। अब आपने देखा होगा इधर मैंने चौड़े लिखवाए 100 से 150 और यहां सिर्फ 64, तो अंतर है। अंतर इसीलिए है कि नदियां कम दूरी पर बहती हैं, सेडिमेंटेशन नहीं है, मैदानों का निर्माण घसित रूप में हुआ है, कहीं कहीं तलछट के जमाव भी हुए हैं, दोनों तरीके से हुए, लेकिन मैदान कम चौड़े हुए। और ये चौड़ाई इनकी स्पेशली कितनी है, 64 किलोमीटर है। अगला पॉइंट एक और लिख लीजिए, पश्चिमी तटीय मैदान पर काली मिट्टी का विकास हुआ है, ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल का निर्माण होने का भी कारण है कि यहां पर जहां से नदियां आती हैं ये सब ब्लैक सॉइल का ही तो हिस्सा था, ये ब्लैक सॉइल का हिस्सा था काली मिट्टी का, तो जब यहां निक्षेपण से जमा होती है तो काली मिट्टी बनती है, और काली मिट्टी बनती है तो क्या होती है खास बात, उसकी कपास की फसल होती है, गन्ना की फसल होती है। कपास के लिए काली मिट्टी जानी जाती है, जिसको रेगुर रेगुर भी कहा जाता है, और कुछ लोग तो इसको कपास की मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास की फसल इसमें बहुत अच्छी होती है, इस वजह से कपास की मिट्टी कहा जाता है। तो इसकी मिट्टी जो काली बनती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स खास ये है कि ये कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गन्ना की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी मिट्टी पर केरल में कुछ मसाले उगाए जाते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, केरल में कुछ मसाले उगाए जाते हैं। तो ये दोनों घाटों की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम इस पर कुछ और बात करेंगे, इसमें कुछ नदियां, बंदरगाह, झीलें और क्रीक हैं, तीन चार चीजें और छोटी छोटी पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये समझ गए घाटों में अंतर, एक बेसिक और भी आप कर सकते हैं, इनकी जो संरचना है इसमें अंतर है, समझ गए। यहां पर चट्टाने कठोर हैं, धारवाड क्रम की चट्टाने हैं, यहां की चट्टाने कुड़प्पा क्रम की हैं, मेरी बात समझ रहे हो, कुड़प्पा मैंने बताया था, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने हैं, धारवाड क्रम की उतनी चट्टाने नहीं, आर्कियन और कुड़प्पा क्रम की चट्टाने यहां पाई जाती हैं, यहां आर्कियन और धारवाड क्रम की चट्टाने हम कह सकते हैं। इन पर बेसाल्टिक लावा का जमाव हो गया है, यहां नदियों ने इस लावा को बहुत अधिक मात्रा में काट छांट दिया है जो अपरदित हो गई है, नदियों ने गहरी घाटियां बनाई है जिसमें जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं वो नंगी हो गई हैं, दिखाई पड़ने लगी हैं, जिसमें कोयला निकाला जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला निकाला जाता है। तो इसके बहुत सारे बेसिक अंतर हैं जो खास खास थे वो मैंने लिखवा दिए। अब आप इसमें कुछ हेडिंग डालिए, कुछ इसकी नदियों की हम बात करेंगे कि इन तटों पर ही नदियों की बात करेंगे, अलग से नहीं, कि किस किस जो तट है इस तट पर कौन सी नदियां बहती हैं, इस तट पर कौन सी नदियां बहती हैं, और तटों का भी बंटवारा हुआ है उनके आधार पर नदियां हम समझ लेंगे। इस तट पर ये नदी है, इस तट के किनारे पर ये नदी है, इस तट पर ये है। तो हेडिंग डालिए, इकट्ठे डालो, नदियां, बंदरगाह, झीलें तथा क्रीक। क्रीक जानते हैं क्या होता है, मैंने बताया था पहले, क्रीक बताया था, कौन आया था क्लास में क्रीक बताया था तब, चलिए आज फिर बता देंगे। नदियों की अगर हम बात करते हैं, ये हम मिटा दें, दूसरा बना लेंगे। पश्चिम में भी नदियां बहती हैं, पूर्व में भी नदियां बहती हैं, दोनों तरफ नदियां हैं, और दोनों तरफ नदियों की हम बात करेंगे। कुछ नदियां पश्चिमी तट की ओर बहती हैं उनकी बात कर लेंगे, कुछ पूर्व की ओर बहती हैं उनकी बात कर लेंगे। खास खास नदियां, सबकी नहीं, नदियां तो बहुत सारी हैं भारतवर्ष में, जब नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम नदियों की स्पेशली बात करेंगे, लेकिन अभी तट के आधार पर हम बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए ड्रॉ करिएगा इसको दोबारा से, बड़ा बनाना पड़ेगा नदियां दिखाने के लिए थोड़ा सा। यहां पर एक नदी बहती है, दूसरा कलम यूज कर लें, नहीं दिखाई पड़ता है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। देखिए ये नदी जो है साबरमती है, फिर एक नदी यहीं पर माही गिरती है, ये नदी है नर्मदा और ये नदी है ताप्ती, समझ गए। ये चार नदियां मूल रूप से यहां पर है,
पहली है साबरमती, दूसरी है माही, फिर है नर्मदा और उसके बाद है ताप। चार नदियां हैं, चारों लगभग ज्यादा दूरी पे नहीं है, ये गुजरात के हिस्से में बहती हैं। अगर हम तट की बात करें, यहां जैसे मैंने कहा था कि यहां पे तट की अगर हम बाउंड्री मेंशन कर दें, जिसको मैंने दमन कहा था, अगर ये हम दमन मान लें तो एक बाउंड्री फिक्स हो जाती है कि नहीं। तो ये जो गुजरात का तट था, ये गुजरात वाला, यहां नदियां ये चार स्पेशली है जो गुजरात के तट पे पाई जाती है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। समझ गए, यही गिरती है तट तक। यहां भी कुछ नदी, एक नदी यहां पर आती है कच्छ के रण में गिरती है, आपको पता है लूनी नदी। ये अंतःस्थलीय रिवर है, अंतःस्थलीय वो होती है जिसका मिलन कभी पानी से होता ही नहीं, ना तो दूसरी नदी से ना समुद्र से। अगर किसी समुद्र में मिलेगी तो समुद्र उसका मुहाना हो गया, अगर किसी नदी में मिलती है तो उसकी सहायक नदी हो गई। तो ना तो ये किसी की सहायक नदी है, ना ही समुद्र तक ये रास्ता तय कर पाती है, कच्छ के रण में ही अपना दम तोड़ देती है। तो कच्छ के रण में खारा पानी होने के बावजूद भी कहीं कहीं मीठा पानी भी है, उसी नदी की वजह से। समझ रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। तो ये चार बेसिक नदियां हैं यहां पे। हम फिर आ जाते हैं हम यहां गोवा में। गोवा, गोवा में दो नदियां हैं, गोवा के क्षेत्र में दो नदियां हैं, बताइए नाम, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी दो नदियां गोवा में हो गई। उसके बाद एक नदी कर्नाटक में बहती है, जोग प्रपात जिस पर है, बताओ है? नहीं, पेरियार तो यहां है, जोग प्रपात सारावती नदी पे है, यहां सारावती नदी है और ये पेरियार है। समझ गए, अब डिवीजन को भी आप गौर कर सकते हैं। जो गोवा का क्षेत्र है, यहां तक हमने कहा था ये, तो यहां जो ये वाला क्षेत्र है, ये इसमें स्पेशली देखिए, इस नदी को कभी काउंट कर लेते हैं हम, निशान लगाएं एक नदी, दोनों नदियों को हम काउंट इसमें नहीं करेंगे, हालांकि ये संक्रमण क्षेत्र है, यहां पर जो तट का क्षेत्र है संक्रमण का है, एक तरफ कोंकण है एक तरफ कन्नड़ है। ये वाली नदी कन्नड़ में बहती है और इसमें ये है मालाबार में, किसमें है मालाबार में, पेरियार हो गई, सारावती आपकी कन्नड़ में हो गई और ये कोंकण में आप शामिल कर सकते हैं कोंकण, और ये उसमें, समझ गए आप, कोंकण का, गुजरात का भी तट हो गया, कोंकण का भी तट हो गया, कन्नड़ का भी हो गया, एक में चार है एक में दो है, इसमें एक एक नदी है महत्वपूर्ण। क्लियर, समझ गए, इस साइड में। अब बात करते हैं दूसरे साइड की, इतनी नदियां इसमें बना लीजिए। मैंने इसलिए तटके भी लिखे कि तट के आधार पर भी आपको पता रहे कि ये नदियां जो बेसिकली जो तट का डिवीजन हमने किया है, क्लासिफिकेशन किया है, उस तट के आधार पर कहां पर इनकी लोकेशन पड़ती है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे यहां, यहां की, यहां एक नदी बहती है ब्राह्मणी, कौन सी है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद कौन सी नदी है महानदी, यहां लिखते हैं नाम, ब्राह्मणी, महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी सीक्वेंस आपको याद रहे, उसके बाद कृष्णा और यहां पर
बोलो कावेरी। सीक्वेंस भी आपको याद रहे तो बेसिकली अगर हम अगर यहां देखते हैं तो ये वाली जो दो नदियां हैं ये करती हैं उत्तरी सरकार तट पर, समझ गए। तट के आधार पर भी आप अगर करें, पूर्वी तट हम पढ़ रहे हैं, नो डाउट पूर्वी तट पर ये खास खास नदियां हैं, लेकिन ये दोनों नदियां अगर हम पढ़ते हैं, महानदी की बात करते हैं उसकी बात करते हैं, ये दोनों पड़ती हैं उत्कल में, उड़ीसा में। उत्कल तट है इसमें, उड़ीसा में पड़ती हैं उत्कल में। ये वाला हिस्सा यहां से तक के दोनों नदियों के बीच का है, ये उत्तरी सरकार है। क्या है? उत्तरी सरकार में पड़ती हैं। और ये वाला है कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल तट। ये दोनों कोरोमंडल तट में पड़ती हैं। तो अगर हम नदियों की बेसिकली बात करते हैं तो देखिए यहां साबरमती गुजरात में, माही गुजरात में, नर्मदा गुजरात में, ताप्ती गुजरात में गिर रही है चारों। तट की बात करें तो पूरा गुजरात तट है, गुजरात का ही तो तट है, या कहें काठियावाड़ का तट है, एक ही बात है। यहां से लेकर हम यहां जब आते हैं तो मांडवी और ज्वारी दो नदियां गुजरात के आसपास बहती हैं, इसलिए किसमें आती हैं? कोंकड़ में आती हैं। और उसके बाद यहां फिर कर्नाटक में एक नदी बहती है सारावती। ये खास नदियां हैं, बाकी तो और भी नदियां हैं छोटी छोटी। ये सारावती नदी बहती है, ये कन्नड़ में है, और ये है आपके मालाबार में पेरियार, जो केरल में स्पेशली पड़ती है, समझ गए। तो ये स्पेशली हमने नदियों की बात की। अभी इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कुछ पोर्ट है, बंदरगाह है, मिटा दें इसे, बंदरगाह है, बंदरगाह इन्हीं तटों पर, बंदरगाह महत्वपूर्ण बंदरगाहों का अलग से भी हम समझेंगे, लेकिन यहां तट पर जो बंदरगाह खास खास है इनकी हम बात कर लेते हैं। इस तट से संबंधित है जो तटों के क्लासिफिकेशन किए हैं उस तट के आधार पर भी आपको बंदरगाहों को याद रखना है, समझ गए। पूर्वी और पश्चिमी के अलावा जो क्लासिफिकेशन किए गए उन बेस पर आपको याद रखना है। देखिए फिर से बनाइए इसको, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है इस तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते हैं। बंदरगाह क्या होते हैं? जहां आसानी से समुद्र के किनारे कृत्रिम भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, वो स्थान जहां लोडिंग अनलोडिंग की जाती है जहाजों की, या जहाजों के खड़े होने के स्थान होते हैं। हम इससे बहुत सारा व्यापार भी करते हैं, पहले लोगों को भी आना जाना इन्हीं से हुआ करता था, लेकिन अब लोग नहीं आते जाते हैं इससे। हालांकि कुछ जगह अभी ये प्रचलन है कि लोग आते जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मालवाहक हैं। अब मीन सामान इससे ढोया जाता है, क्योंकि सामान जब विदेशों में हम ट्रेड करते हैं, चाहे मंगाते हैं या भेजते हैं, तो इन्हीं बंदरगाहों का उपयोग करते हैं। बंदरगाह का अलग से भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बंदरगाह पर एक सवाल पूछा भी जाता है, और ये भी पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है वो, समझ गए। पश्चिम के भी हो सकते हैं और पूर्व के तट के भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम अभी बेसिकली जो तट के आधार पर हैं, भड़ौच है, अलंकेश्वर है, यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पहले यहाँ भड़ौच, अलंकेश्वर और सूरत, यहाँ तीन बंदरगाह हैं। पहला भड़ौच, दूसरा अलंकेश्वर और तीसरा सूरत। ये तीनों गुजरात में ही हैं, भड़ौच है, अलंकेश्वर है, एक ही लाइन पे हैं ये तीनों है, कांडला, ओखा और पोरबंदर। यहां देखिए, यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। क्या नाम है? कांडला, बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है। यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है ओखा। क्या नाम है? ओखा। यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोरबंदर। पोर बंदर। तो ये बेसिकली पढ़ने वाले गुजरात में है। ये हमने सूरत है ना, उसके वहीं पे फिर दमन है, और दमन तक ये गुजरात का तट है। तो यहां अगर हम तट की बात करें, गुजरात की तट रेखा की बात करें, तो ये खास तौर से छह बंदरगाह है, ठीक है। ये इसमें है, जैसे हम बना रहे हैं वैसे आपको ड्रा करके करना है। इसके बाद फिर नीचे बढ़ते हैं, यहां पर एक बंदरगाह है और बहुत प्रसिद्ध है, अलंकेश्वर।
अलंकेश्वर। ओखा के बाद है पोरबंदर, कांडला। इधर देखो, नक्शा देखो पहले, यहां पर ये जो लोकेशन बनी है, मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूं बड़ा बना के ऐसे। यहां पे हमने क्या बनाया देखो, कांडला। यहां पे क्या बनाया? ओखा। यहां पे क्या बनाया? पोरबंदर। यहां क्या बनाया? भड़ाउज। यहां क्या बनाया? अलंकेश्वर। यहां क्या बनाया? सूरत। उसके बाद यहां आ जाता है मुंबई, समझ गए? उसके बाद में बगल में ही नवा मुंबई है, नवी मुंबई, नवा मुंबई। यहां जो दिख रही वहां से देख लीजिए नाम, यहां जो मैंने लिखे कहो तो मैं दूसरा बना दूं, बड़ा बड़ा बना दूं पूरा। दिख रहा है अब? कांडला, ओखा, पोरबंदर, भड़ौच, अलंकेश्वर, ये किसमें है? ये गुजरात तट पे है, गुजरात तट। गुजरात तट पर अगर हम बंदर बाघ की बात करें तो कांडला हमारा पहला आ गया, कांडला। कांडला के बाद ओखा, ओखा के बाद क्या आ गया? पोरबंदर, पोरबंदर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आया? भड़ौच। भड़ौच के बाद अलंकेश्वर, और उसके बाद है हमारा सूरत। ये सब कहाँ है? ये सब गुजरात के तट के सहारे हैं, गुजरात का ही तट है। अब यहां पर मैंने एक बनाया मुंबई, मुंबई है, मुंबई के बगल में एक और है, ये है मुंबई, ये है नवा मुंबई, ये दोनों हो गए, समझ गए? इसके बाद यहां पर और हम बढ़ते हैं, यहां गोवा, ये है मार्मगो गांव, मार्मगांव, मार्मगांव गोवा का ना जो बंदरगाह है, मार्मगांव। उसके बाद हम और नीचे बढ़ते हैं, मैंगलोर, क्या है? बेंगलोर नहीं, मैंगलोर, मंगलोर, मंगलुरु भी लिखा होता है कहीं कहीं, मैंगलोर। उसके बाद क्या है? यहां पर कोच्चि है, क्या है? कोच्चि। ये बंदरगाह अब तटवर्ती आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये मार्मगांव, ये हमने यहां देखा था, ये गोवा तक की अगर हम बात करें इस वाले इतने पोर्शन की, तो ये तट किसमें शामिल हो जाएगा? यहां तक ये वाला तट कोकण है, कोकण के बाद ये वाला कन्नड़ में आ जाएगा, ये मालाबार में आ जाएगा, समझ गए? तट के आधार पर किस किस तट पर किसकी किसकी लोकेशन है, ये यहां पर इतने बंदरगाह आ जाएंगे। अब अगले हम बंदरगाह दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे तट पर बसे हुए हैं, यहां तक समझ गए? ये सबसे नीचे है, कन्याकुमारी का हिस्सा है, ये कन्याकुमारी बंदरगाह नहीं है, समझ गए? ये डिवीजन है तट का, ये बंदरगाह नहीं है। कालीकट यही है, कोच्चि ही कालीकट है, समझ गए? नहीं, ये तो पश्चिम की बात कर रहे हैं, पूरब की बात तो इधर है, नहीं अगर भारत की बात करें तो ये पश्चिम की बात है, समझ गए? वैसे दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यही पड़ेगा, क्योंकि तूतीकोरण यहाँ अगर पड़ता है तो थोड़ा ऊपर है, समझ गए? इसको मिटाओ फिर इधर वाले को। सबसे ऊपर यहाँ पड़ता है कलकत्ता बंदर का, कलकत्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ऊपर? कलकत्ता बंदरगाह जो है यहां पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो थोड़ा सा ऊपर है, ये समुद्र से थोड़ा हटा हुआ है, और हटने का उसका कारण है कि यहां पर जो गंगा नदी है और उसकी सहायक टेरिटरीज रिवर्स हैं, बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट लाती हैं, अवसाद लाती हैं, क्योंकि बहुत लंबा रन पार करके आती है नदियां, तो उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो यहां गंगा की नदी का जो मुहाना है, गंगा का स्पेशली जब गंगा मुहाने की बात करते हैं यहाँ,
ये बहुत बड़ा मुहाना है गंगा का, पता है आपको 97 किलोमीटर चौड़ाई में है। यहां से मुरादाबाद तक लेकर हम बात करें तो गंगा नदी का मुहाना आप कल्पना करिए, यहां से मुरादाबाद से भी ज्यादा कह सकते हैं, मुरादाबाद तो मान ही लो आप, ये गंगा का मुहाना यहां से। ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगा, जब नदी समुद्र में यहां गिरती है, यहां पर मैंने आपसे कहा था कि ये जो वाला हिस्सा था यहां पर मालदा गैप बना था, वो गैप भी इसी नदी के द्वारा भरा गया है। उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, इधर से गंगा, उसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसकी भी सहायक है, जितना अवसाद लाती है इकट्ठा करती है, समुद्र को पाट रही है, तो समुद्र यहां पीछे हट रहे हैं भाई। जितना सिल्ट रेत यहां जमा होगी तो वहां जमाई तो होगी, तो समुद्र क्या है यहां पर बहुत छोटे छोटे न्यू मुरे आइलैंड, न्यू मुरे का नाम सुना है, न्यू मुरे द्वीप यहां लिखा होगा एटलस में देखेंगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे नए द्वीप बन गए हैं इसी सिल्ट के जमा होने से, अब साधन की वजह से। इस वजह से ये जो बंदरगाह है थोड़ा दूर चला गया, यहां जाने के लिए नहर का प्रयोग करना पड़ता है, समझ गए, सिल्ट निकाली जाती है, स्पेशल रास्ता उसको दिया जाता है, तब कहीं वहां तक पहुंचते हैं, बहुत दूर हो गया यहां से। उसके बाद पड़ता है हल्दिया, कौन सा है ये, कौन सा था, कोलकाता, ये है हल्दिया, ये दोनों पश्चिमी बंगाल में है, ये भी आपको याद रखना है, कहां पड़ते हैं ये दोनों, पश्चिमी बंगाल में है। फिर पारादीप, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, पारादीप उड़ीसा, पारादीप है यहां, यहां लिखते हैं पारादीप, पारादीप कहां है, उसके बाद आता है विशाखापट्टनम, ये क्या है, विशाखापट्टनम, यहीं पे एक मछलीपट्टनम है, मछली पट्टनम, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, ये बंदरगाह कहां पड़ते हैं, उड़ीसा में पड़ते हैं। फिर चेन्नई है और नागपट्टनम है, ये कहां पड़ेंगे, चेन्नई और नागपट्टनम, ये कहां है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ये भी सॉरी क्या नाम इसका लिखना था हमें, चेन्नई और लिख दिया हमने तमिलनाडु, ये है चेन्नई, ये है नागपट्टनम, नागपट्टनम, यहां है तूतीकोरन, क्या है, तूतीकोरन, तूतीकोरन है, तो ये खास बंदरगाह है यहां पर, तूतीकोरन बंदरगाह हो गया नागपट्टनम, तो ये सब पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं, समझ गए आप, तो ये पश्चिमी घाट के इधर वाले बंदरगाह, इधर वाले पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं। बंदरगाहों को अलग से भी हम लोग समझेंगे, भारत के बंदरगाह उनकी विशेषताएं, किस किस के लिए कौन सा बंदरगाह है उसकी बात अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ तट पर रहे तो तट पर जो बंदरगाह अभी खास तौर से स्थित हैं उनकी अभी हमने बात की। अब आप तीसरे नंबर पे डालिए झीलें, मिटा दें इसको, मिटा दें, अब आप हेडिंग डालिए झीलें, यहां कुछ झीलें हैं, झीलें इसमें से सवाल कई बार पूछा गया झीलों के संबंध में, कुछ झीलें इसकी महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं झीलों से संबंधित सवाल आता है, तो ये चार पांच झीलें हैं, ज्यादा नहीं है इसमें तट पर, और जो झीलें हैं बहुत प्रसिद्ध झील है किसी न किसी काम के लिए। देखिए ये है केरल, ये केरल है, ये केरल है ना, केरल में दो बहुत महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं, और ये जो झील है ये लैगून होती हैं, लैगून समझते हैं, इसका नाम है बिंब
नाड, क्या नाम है? दिम्ब नाड, काले से लिख दें। बिम्बनाड। अब आप झील और लैगून में अंतर समझ लीजिए। लैगून क्या होता है? जिसको बैक वाटर कहा जाता है, इनको कहा जाता है बैक वाटर। पश्च जल, क्या कहते हैं? पश्च जल बैक वाटर है। बैक वाटर होते हैं क्या? इनका संपर्क सीधे समुद्र से होता है। और अष्टामुडी एक और झील है यहां पर, वो भी लिख लीजिए, फिर मैं बैक वाटर बताता हूं क्या होता है। अष्टामुडी, इनका हर हालत में संपर्क समुद्र से होता है, इसका नाम है अष्टामुडी। क्या नाम है? अष्टामुडी, काले से लिखना पड़ेगा। अष्टामुडी। अब समझिए, झील होती है जिसका संबंध जरूरी नहीं कि समुद्र से है। ये पश्च जल इसलिए कही जाती है, बैक वाटर इसलिए कही जाती है कि समुद्र का पानी लहरों के द्वारा इनके अंदर चला जाता है, और पीछे इनके जो जो मुंह बने हुए हैं ना, ये पतले हैं। झील चौड़ी है अंदर, लेकिन इनके मुहा है, जो मुहासे हैं वो पतले हैं, जिनकी वजह से समुद्र का पानी चला जाता है और वापस फिर आ भी जाता है, इसीलिए उसको बैक वाटर कहा जाता है। और ये बिम्बनाड और अष्टामुडी ये लैगून है। क्या कहते हैं इनको? लैगून है, ये झील नहीं है। और जो पश्च बैक वाटर होते हैं, पश्च जल, उनको लैगून कहा जाता है। लैगून स्पेशली समुद्र से लिंक होते हैं, जिनका मुंह समुद्र में जुड़ा होता है, जिससे समुद्र का पानी उसमें चला भी जाता है और वापस भी लहरों के साथ आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि इन झीलों से जो पश्च बैक वाटर हैं, ये ऐसे लो लाइंग एरियाज हैं जिनमें पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इनका संपर्क हमेशा समुद्र से बना रहता है। इनको कहते क्या है? लैगून। लेकिन केरल में इनका एक स्पेशल नाम है, जिस नाम से सवाल कई बार पूछा भी गया है। इनको कहते हैं कयाल। क्या कहते हैं? कयाल। पूछा जाता है केरल में जो झीलें पाई जाती हैं, समझ गए, समुद्र के किनारे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कयाल कहते हैं स्पेशली। क्या कहते हैं? अष्टामुडी। ये भी पूछा जा सकता है अष्टामुडी का ये कहां पाई जाती है, या बिम्बनाड कहां झीलें पाई जाती है, या केरल में अगर बता दिए पाई जाती है तो उनको किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लोकल नाम है, क्षेत्रीय भाषा का नाम है, इसलिए कई बार कयाल सवाल में पूछा गया है। समझ गए? तो पहली बात, इधर ये केरल में है, ये बिम्बनाड अष्टामुडी जो दोनों केरल में है, दोनों पश्चिम जल है, बैक वाटर है, जिन्हें लैगून कहा जाता है। लैगून को मैंने बताया, जिनका जुड़ाव समुद्र से होता है, पानी समुद्र का उनमें चला भी जाता है और वापस आ भी जाता है, और इनको क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ गए? अब एक झील है पुलिकट, यहां पर है पुलिकट। पुलिकट कहां है? वो भी बैक वाटर है। पुलिकट ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, टीएन तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। कहां है? यहीं से तमिलनाडु यहां तक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है, ये दोनों के बॉर्डर पर है। ये भी बैक वाटर है, समझ गए? ये भी बैक वाटर है। एक झील यहां पर है, ये दो नदियां मैंने बताई थी आपको, दोनों नदियों के बीच में ये झील है, ये बैक वाटर नहीं है, समझ गए? ये बैक वाटर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अंतर पूछा जाता है तो ये जो कोल्लेरू झील है, ये बैक वाटर नहीं है। कहां पड़ती है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहां है ये भी पता हो कि आपको कहां है? एक तरफ कृष्णा नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी हो गई, और ये आपकी गोदावरी, इन दोनों के बीच में पड़ती है, दोनों के मुहानों के बीच में पड़ती है। कोल्लेरू नाम है, आंध्र प्रदेश में है, एक बैक वाटर नहीं है। फिर एक झील पड़ती है चिल्का,
नाम सुना है, कहाँ है? उड़ीसा में पड़ती है, वो भी बैक वाटर है। उड़ीसा में स्पेशली जो पड़ती है वो बैक वाटर है, समझ गए? ये भी बैक वाटर है, इसका नाम है चिल्का। बहुत बड़ी लैगून झील है ये, और उड़ीसा में है ये, ये आपको पता हो, ये लैगून है, समझ गए? लैगून, ये भी लैगून है, पुलिकट झील, ये भी लैगून है जिनका संपर्क है, लेकिन ये लैगून नहीं है, ये झील है। ये क्या है? झील है। झील और लैगून में अंतर समझ गए? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं झीलों की, तो इस पर सवाल, इन झीलों पर स्पेशली अष्टायमुडी और बिमनाड जो केरल में, जिनको कयाल कहते हैं ना क्षेत्रीय भाषा में, इनका नाम अलग है, इसलिए इन पर सवाल अक्सर पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में सवाल इस पर आए हैं। यहाँ चिल्का झील उड़ीसा में लैगून झील है, पहचान बनी रहे। ये कोल्लेरू झील, ये झील है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, लेकिन लैगून झील नहीं है, समझ गए? ये वाली झील पुलिकट है, ये भी लैगून झील है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो इस तरह से ये चार पांच झीलें हैं। इसके बाद एक बात और रह गई जिसको हम क्रीक कहते हैं ना, क्रीक बताते हैं क्या होता है, और इसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, मिटा दें। कयाल आपको स्पेशली याद रखने हैं, भूगोल रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है, इसको रटा नहीं जा सकता है। अब देखिए क्रीक क्या है, क्रीक की बात और मैं आपसे बता दूं, इसके बाद ये इसका अध्याय हम समाप्त कर देंगे, फिर हम दूसरे उसकी बात करेंगे। आपने देखा है ये जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, ये क्रीक स्पेशली होते क्या हैं, ये आपको समझना है। ये कटा फटा तट है, समझ रहे हैं? ये बाउंड्री है जो मैंने बनाई है, ये बाउंड्री है, और ये सब क्षेत्र इसी टाइप के, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है इसमें पानी भरा हुआ है। ये देखिए स्थलखंड के कितने अंदर तक पानी समाया हुआ है, ये पतला पतले, ये वो जलीय संकरे क्षेत्र हैं, ये क्रीक कहे जाते हैं, समझ गए? ये क्रीक कहे जाते हैं, ये स्थल की बाउंड्री ये है, लेकिन ये जल का है, जो मैं ये ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ, ये जल भरा हुआ है। देखिए पतले पतले ये कोनिकल शेप में अंदर तक पानी चला जाता है, समझ गए? स्थल का। और यहाँ पर इस तरह के ये बहुत पाए जाते हैं, ये जो तट है ये इसी टाइप के तट हैं। यहाँ पर सर क्रीक है, सर क्रीक। अच्छा क्रीक कहा क्यों जाता है? सर क्रीक महोदय थे, उन्होंने इस क्रीक के आधार पर, यहाँ जो सर क्रीक है, यहाँ पाकिस्तान के साथ हमारा बंटवारा है, बाउंड्री का जो हमारी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहाँ सर क्रीक से इसका बंटवारा है। स्पेशली 24 डिग्री है वो, हम कहाँ तक मानते हैं, हम उसे 24 डिग्री मानते हैं, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश हम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका वो कर्क रेखा को मानता है, 23.5 वाली को, तो आधा डिग्री में बहुत दूरी, कई किलोमीटर हो जाएगी, 50-60 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, 58 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र वो अतिक्रमण करना चाहता है, यहां भी विवाद है। तो सर क्रीक महोदय ने इसका समझौता किया था, इसका यहां पर सर क्रीक पाई जाती है, यहीं पर कोरी क्रीक है, क्या है? कोरी क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक। ये क्रीक, क्रीक आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्रीक है क्या, तो आप समझ लेंगे। कोन क्रीक, यहीं पर कोन क्रीक है, कोन क्रीक, तो आप समझ गए होंगे क्रीक क्या होता है। क्रीक स्पेशली गुजरात में ही हमारे यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि गुजरात का तट बहुत कटा फटा है, सभी जगह क्रीक पाए जा सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन गुजरात के जो क्रीक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, समझ गए? तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने देखा आज के उसमें जो समुद्र तटीय मैदान थे, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, उनका डिवीजन किया, उनके पार्टीशन किए, उसके बाद फिर हमने नदियां देखी कौन कौन सी खास हैं तट के आधार पर, फिर हमने बंदरगाह देखे खासतर उनके, और उसके बाद क्रीक और कुछ झीलें देखी जिनको लैगून या कयाल कहते हैं। अब हमारा ये वाला अध्याय जो है ये फिनिश होता है,
इसके बाद हम दूसरे अध्याय की बात करेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। मिटा दिया इसको हमने। ड्रेनेज सिस्टम देखो भाई, तुम्हें कहाँ जाना है, घर कहाँ पड़ता है? अगर आपकी सामर्थ हो रुकने की तो देख लो कितनी देर तक अभी चलेगा। बहुत कम समय है, 10-15 मिनट का है, तो मत छोड़ो। 3:52 हो गया है, 10-15 मिनट तक और अभी कुछ हम बता दें थोड़ा बहुत आपको, समझ गए? ड्रेनेज सिस्टम की अब हम बात कर लेते हैं। अपवाह तंत्र तथा प्रतिरूप, क्या है? प्रतिरूप। ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न, पैटर्न की भी बात हम लोग करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम क्या है और उसका प्रतिरूप क्या है, दोनों बातों अलग अलग हैं। अपवाह शब्द जुड़ा है, इसका मतलब बहाव से है। जब कभी जब पानी धरातल पर है, चाहे बारिश का हो, बारिश का ही स्पेशली हम यूज करते हैं, बारिश का पानी जब ढाल के अनुरूप किसी भी दिशा में, जिधर ढाल होगा उधर ही तो बहेगा, ढाल के अनुरूप जब स्वतः स्वतंत्र रूप से बहने लगता है तो उसको बाही जल कहते हैं, समझ गए? बाही जल में कई कई अब नलिकाएं मिल जाती हैं। बाही जल होगा, एक पानी बह रहा है कहीं से ढाल के अनुरूप, फिर आके उसमें नाली मिल गई आके, समझ गए? जैसे एक बाही नल जल यहां से एक धारा चली, ये बह रही है, समझ गए? इसी में कोई एक धारा और आके मिल गई, इसमें भी धारा कोई मिल सकती है, यहां पर भी कोई मिल सकती है, तो यहां से भी कुल मिल जाएगी, कोई धारा यहां से मिल जाएगी। अब ये कई जब इस तरह की अब नलिकाएं मिल जाएंगी, समझ रहे हैं, कई सारी, ये पूरा एक सिस्टम बनाएंगी। तो जो धरातल पर जो बारिश का जल है जब गिरता है तो इकट्ठा होगा तो ढाल के अनुरूप कहीं ना कहीं डायरेक्शन के हिसाब से बहेगा। जब बारिश का जल ढाल के अनुरूप स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगता है, अब नलिका के रूप में जैसे भी हो, तो उसे बाही जल कहते हैं। और वही बाही जल थोड़ा सा इकट्ठा होकर अब नलिकाओं में बहने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, गुली। और कई गुलियां मिलकर जब एक मास में पानी इकट्ठा कर देती हैं तो फिर वो रिवर बन जाती है, समझ गए? ये छोटी छोटी अब नलिकाएं हैं, ये उट्टे के नदी, लेकिन सभी की छोटी और बड़ी नदियां मिलाकर जो एक पैटर्न सिस्टम बनाती हैं, एक तंत्र बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं, वो है क्या? तंत्र। एक नदी सिंगल हो ये तंत्र नहीं हो सकती है, इसी में बहुत सारी नदियां कोई इधर से आई, कोई इधर से आई, इसमें कहीं आई, कहीं इसमें आई, इसमें हो सकती हैं। तो बहुत सारी नदियों का एक टेरिटरीज होती हैं, बहुत सारी नदियां वो मिलकर एक तंत्र का विकास करती हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में बहुत सारी नदियां हैं, जहां से गंगा निकलती है और जहां गिरती है वहां से लेके इधर से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, यहां से यमुना नदी मिलती है, यमुना में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, उसके बाद यहां मिलती है नदी, फिर यहां मिलती है, तब यहीं आके गिरती है, कितनी सारी नदियां, तब जाके कहीं गंगा का तंत्र बनता है। इसी तरीके का सिंधु का तंत्र है, ब्रह्मपुत्र का तंत्र है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो पूरे सिस्टम पर काम करती हैं। अब देखिए ये तंत्र बन गया, लेकिन ये हमें सामूहिक सरसरी नजर से दिखाई नहीं पड़ता है। ये दिखाई पड़ेगा कहीं? ये दिखाई नहीं पड़ेगा हमें, तंत्र तो काम कर रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन कभी हम धरातल के ऊपर से जाएंगे, कुछ दूर से इनको देखेंगे, तो इसी तरीके की नदियां विकसित होकर एक एक शेप लेंगी, एक आकार लेंगी। कोई ना कोई शेप तो बहता है, किसी किसी शेप में है, किसी आकार में तो है, उसी शेप को, उसी आकार को हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। सिस्टम है, जुड़ाव है नदियों का, छोटी से बड़ी का, गुली से लेकर बड़ी नदियों तक जुड़ाव है, टेरिटरीज है, मेन रिवर है, फिर उसके टेरिटरीज है, टेरिटरीज में छोटी छोटी गुलीज जुड़ी हुई है, उन सभी का जो संयुक्त रूप से बहाव होता है जुड़ाव के साथ, उस जुड़ाव को तो हम सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तंत्र तो बन गया, लेकिन उसका कोई ना कोई शेप हमें देखने को मिलेगा, आकार देखने को मिलेगा, वो कहलाया जाता है पैटर्न।
अर्थात किसी भी नदियां, बहुत सारी नदियों का जो तंत्र होता है, उन नदियों के तंत्र में जो उसकी जियोमेट्रिक पोजीशन होती है, भू तल की जो अवस्थिति होती है, जिससे हमें एक सेप, हमें एक आकार दिखाई पड़ता है, दैट इज पैटर्न, वो उसका प्रतिरूप है। कहते हैं क्या आकार है, क्या रूप है, प्रतिरूप है, समझ रहे हैं आप। तो ये सिस्टम और प्रतिरूप दोनों बातें हो गई। भारत में किस तरह का सिस्टम काम करता है, किस किस तरह के प्रतिरूप हैं, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। भारत की नदियों की बात करेंगे, यहां पर भारत की बात पढ़ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अपवाह तंत्र क्या है। वाही जल, अपवाह जो बह रहा है वो अपवाही है, गुली में हो सकता है, नदी के रूप में हो सकता है, जब नदी ज्यादा मास में इकट्ठा लगना है तब नदी होता है, पहले बाही जल होता है, बाही जल की कई गुलियां आपस में मिलकर इकट्ठा होकर बहती हैं तो नदी में कन्वर्ट हो जाती है, समझ गए। लेकिन प्राकृतिक रूप से मानवीय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, नदी या बाही जल वही है, बाही जल तो नहीं, नदी स्पेशली तभी कहेंगे जो नेचुरल वे में पानी बहता होगा, उसमें मानव उसकी गहराई या खुदाई में, उसके आकार में या गहरा करने में मानव की किसी तरह की भूमिका नहीं होगी, ढाल के अनुरूप खुद ही पानी बहेगा, वो नदी है। लेकिन अगर पानी नहर में भी छोड़ा जाता वो भी बाही जल है, लेकिन अगर मानव उस किसी नदी सॉरी उसको नहर की जैसे खुदाई करते हैं ना, खुदाई करके पानी का बहाव अगर करके ले जाते हैं वो कैनाल है, पानी दोनों में बहता है, नेचुरल वे में जिसमें बहता है, नेचुरल रास्ते पर बहता है वो नदी है, जो मैनमेड रास्ते पर बहता है वो नहर है, दोनों में अंतर समझ गए। अब हम देखते हैं कि इसमें जो भारत में जो नदियां हैं वो किस किस तरह की नदियां हैं और उन नदियों का पैटर्न क्या है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी से बता देंगे। इसमें क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती दो स्पेशली सिस्टम काम करते हैं। क्रमवर्ती वो जो एक ढाल का अनुसरण करती हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो क्रमवर्ती जो नदियों का तंत्र है, यहां तंत्र लिखिए, तंत्र जो है नदी तंत्र, ये क्रमवर्ती है, क्रमवर्ती ये है आक्रमवर्ती है, इसमें कोई क्रम नहीं बनता है, क्रमवर्ती आक्रमवर्ती क्रम नहीं बनता है जिसमें ना, सीक्वेंट होती है, सीक्वेंट होती है क्रमवर्ती, सीक्वेंट ये होती है क्रमवर्ती नदियां, सीक्वेंट वाली कौन सी होती है, क्रमवर्ती, इन सीक्वेंट ये वाली है, इन सीक्वेंट, इनके अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखने हैं, कभी कभी हिंदी में भी इन सीक्वेंट लिख देते हैं वो, समझ गए, सीक्वेंट लिख दिया इन्होंने, सीक्वेंट ऐसे लिख दिया, सीक्वेंट। अब आप सोचिए अंग्रेजी का नाम है लिख दिया हिंदी में, इसलिए इनका नाम, यहां से सवाल पूछे जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम पर, सवाल पूछे जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रभावी कारक भी है, इन्हीं के माध्यम से किसी क्षेत्र में पानी पहुंचता है, कहीं क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता है, जहां पानी पहुंचेगा वहां फर्टाइल सॉइल होगी, वातावरण ठीक होगा, वनस्पतियां होगी, जीव जंतु होंगे, हरा भरा होगा, जहां पानी नहीं पहुंचेगा वहां बीहड़ होगा, वीरान होगा, उजड़ होगा। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो तंत्र के रूप में, एक क्रमवर्ती है सीक्वेंट जिसको कहा जाता है, ये अक्रमवर्ती है। सीक्वेंट का मतलब ये होता है कि यहां पर बहने वाली नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं, किसका अनुसरण करती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं। इसके कई रूप हैं, इसके भी दो रूप हैं, मिटा के हम दोबारा लिखते हैं, इनसीक्वेंट और सीक्वेंट दोनों तरह की नदियां यहां काम करती हैं। क्योंकि भारत नदियों का देश है, बहुत सारी नदियां हैं, और नदियों की विस्तार से चर्चा हम नदी के चैप्टर में करेंगे, नदियों के अलग अलग हम सिस्टम पढ़ेंगे, गंगा नदी के सिस्टम को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र के सिस्टम को पढ़ेंगे, हम सिंधु के सिस्टम को भी पढ़ेंगे और साउथ की नदियों को भी पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जो जो क्रम है इनके, उनकी बात कर लेते हैं। जो नदी तंत्र की हम बात कर रहे थे, नदी तंत्र में जो क्रम है वो दो है, पहला क्रमवर्ती, क्रमवर्ती, और ये है आक्रमवर्ती। क्रमवर्ती आक्रमवर्ती दोनों है, ये है सीक्वेंट और ये इन
सीक्वेंट, सीक्वेंट इन सेकेंड। सीक्वेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कई रूप आपको देखने को मिलते हैं। पहला इसका रूप मिलता है स्पेशली जो इस तरह की परवर्ती नदियां हैं ना, पहला है परवर्ती, चाहे तो लिख भी सकते हो परवर्ती, अनुवर्ती लिख लो पहले, अनुवर्ती फिर परवर्ती, अनुवर्ती परवर्ती, अनुवर्ती परवर्ती, अभी इसको हम ठीक से बताएंगे। अनुवर्ती है, परवर्ती हमने क्या कहा था, ये ढाल का अनुसरण करती हैं नदियां, ये सभी नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं। तीसरा परवर्ती, अनुवर्ती और प्रति अनुवर्ती, प्रति अनु प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती और एक होती है प्रति अनुवर्ती के बाद नवानुवर्ती। ये चार तरह की इसमें पाई जाती हैं। अनुवर्ती जो सीक्वेंट का पार्ट है, जिसको हम कॉन्सीक्वेंट कहते हैं, कॉन्सीक्वेंट क्या कहेंगे इसको, कॉन्सीक्वेंट, कॉन्सीक्वेंट। ये सवाल इस पे ऐसे ही अंग्रेजी में भी, हिंदी अंग्रेजी में ही लिख के भेज देते हैं। सबसीक्वेंट कहते हैं परवर्ती को, क्या कहते हैं, सबसीक्वेंट, ऑफ सीक्वेंट, ऑफ सीक्वेंट। और ये है नवानुवर्ती, री रीसीक्वेंट, रीसीक्वेंट। अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट नदियां हैं, परवर्ती सबसीक्वेंट नदियां हैं, प्रति अनुवर्ती ऑफ सीक्वेंट है, सीक्वेंट सभी हैं। इसमें कन है, इसमें सब है, इसमें ऑब है, इसमें री है, समझ गए। सीक्वेंट तो सभी में लिखा हुआ है, पहचान के लिए आप याद रखिएगा। इनके नाम अंग्रेजी में भी आपको याद रखने होंगे, कभी कभी इसमें क्या करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी का अनुवर्ती नहीं लिखेंगे, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स लिख देंगे वो, और लिखेंगे हिंदी में, शब्द अंग्रेजी का होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इनके नाम जो हिंदी में है, इनमें अलग अलग विद्वानों ने कुछ नाम भी बदल दिए हैं, लेकिन अंग्रेजी के नाम सबके एक जैसे हैं, अंग्रेजी के नामों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। तो दो उसके हैं, पूर्ववर्ती जो अक्रमवर्ती हैं, इसमें पूर्ववर्ती हैं और अध्यारोपित हैं, इसमें है पूर्ववर्ती, इसकी अगर हम बात करें इसमें पूर्ववर्ती और अध्यारोपित, अध्यारोपित सुपर इंपोज्ड होती है ना, ये दो इसके हिस्से हैं, दोनों हिस्से इसके हैं, दोनों एंटीसीडेंट कही जाती हैं, एनसी एंसीडेंट, एंसीटीडेंट, अरे यार क्या लिख दिया, ये है सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित है। अब नदी तंत्र में हमने क्रमवर्ती पढ़ा है, क्रमवर्ती क्या होता है, अनुक्रमवर्ती क्या होता है, इतनी बात और समझ लीजिए। देखिए क्रमवर्ती होता क्या है, क्रमवर्ती क्यों कहते हैं इनको, क्रमवर्ती नदियां, बहुत फोन है इसका क्या है, ये ढाल का अनुसरण करती हैं, क्या करती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं। ये करती हैं ढाल का अनुसरण, एक मिनट रुको, भी क्लास में हूं, अभी बात करता हूं आपसे, बोलो, पांच मिनट बाद बात करेंगे, छोड़ दें, यहां तक समझ गए पूरी बात, अभी अब हमें करना क्या है, इतना और समझ लो,
यहां तक हमने नदी तंत्र की बात की। आप नदी तंत्र समझ गए क्या होता है, आप पैटर्न समझ गए क्या होता है, जो हमें देखने को आकार मिलता है वो उसका पैटर्न है, जियोमेट्रिक शेप है उसका। उसके बाद इसके डिवीजन हमने क्रमवर्ती होती हैं और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती के चार रूप हैं, अक्रमवर्ती के दो रूप हैं। क्रमवर्ती क्या होती है, ढाल का अनुसरण करती हैं और ये ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। समझ गए, ये नदियां वहीं बहेंगी जिधर ढाल होगा उधर ही पानी मुड़ता हुआ चला जाएगा। ये वाली ढाल सामने टक्कर होगी उसको काटती हुई निकल जाती है, जिनको कहते हैं पूर्ववर्ती ना। पूर्ववर्ती क्या होती है इसकी भी बात चलो हम आपसे बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, थको मत, सर्दी का मौसम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कायदे से पढ़ लो, मौका भी फिर से मिलेगा, लेकिन एक बार बीमार पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों बीमार नहीं पड़ना चाहिए, सूखता है ये।